नमस्ते भारत, मैं निवेदन करूंगी ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका मेरा भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये वीडियो उन तमाम लोगों को, उन नेताओं को एक्सपोज करने वाला है जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, जिनके लिए जनता यानी आप और मैं सिर्फ और सिर्फ उनका वोट बैंक है। और जब उनकी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि होनी होती है तो फिर जनता को कटवाया जाता है, जनता का खून बह जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रम की आंधी पूरी तरीके से उड़ाई जाती है ताकि दंगे हों, कम्युनल दंगे हों, देश में विभाजन जैसी स्थिति आए, लोग मरे, मासूमों की हत्या हो, मासूम जले, देश की जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उस पर आगजनी हो और देश इंटरनेशनल फोरम पर भी बदनाम हो, देश के अंदर जो शांति का माहौल हो वो बर्बाद हो जाए। और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में, लेकिन ब्रीफ में बताऊंगी। निवेदन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कीजिएगा। आपने, मैंने, हम सब लोगों ने तमाम इतने दिनों से जो विजुअल्स अफगानिस्तान से आ रहे हैं वो देखे और वो दिल दहला देने वाले हैं, हृदय विदारक हैं। डर जाते हैं, सहम जाते हैं जब वो सारे के सारे विजुअल्स हम सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं। दिल रोने लग पड़ता है उन लोगों के लिए जो अफगान में तालिबानियों का आतंक झेल रहे हैं। और इस सारी स्थिति में अगर हिंदुस्तान, भारतवर्ष की सरकार और भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई काम किया है तो वो किया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए, चरितार्थ करते हुए वहां पर फंसे हुए हमारे सिख भाइयों को गुरु ग्रंथ साहिब को वापस लाने का, वहां पर अफगानियों को भारतवर्ष में लाने का। लगातार इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट सेवा में है, इंडियन एयरलाइंस से भी बहुत सारे लोगों को वापस लाया जा रहा है। और ये मंजर जब देखने को मिल रहा है देश के अंदर और विश्व स्तर पर लोगों को, तो लोगों को CAA की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उसका महत्व समझ में आ रहा है। आप लोगों को याद है किस प्रकार NTCA के दंगे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कराए गए, मासूमों को मरवाया गया, कटवाया गया। मैं कभी नहीं भूलूंगी दिलबर नेगी, एक छोटा सा मासूम बच्चा जो उत्तराखंड से अपनी आजीविका कमाने के लिए देश की राजधानी में आया, एक होटल में काम करता था, उसके पहले हाथ पैर काटे गए और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। उसका कसूर कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि वो इन दंगइयों के बीच में फंस गया और उसको मार दिया गया। मैं कभी नहीं भूलूंगी वो विजुअल्स, वो तस्वीरें जब बड़ी हमारी जो सरकारी संपत्ति थी उनको आग के हवाले कर दिया जाता था, लोगों को काट दिया जाता था, मार दिया जाता था, सहम गए थे लोग, दिल्ली स्थिर सी एकदम रुक सी गई थी, भ्रम फैलाया गया था, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भ्रम फैलाया गया था, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, न जाने कौन कौन से लोग कूद पड़े और CAA के विरोध में बोलने लगे। और देश के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और गंदा माहौल तैयार किया गया, पैदा किया गया, क्योंकि देश को बदनाम करना था। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में झूठी खबरें छापी गई और वो खबरें छपवाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करी इस देश में बैठे हुए मीर जाफर ने। और मैं आपको ये याद दिला दूं, आज वही लोग यू टर्न मार के बैठ गए। उनमें से कई लोग कहते हैं कि अब जो डेडलाइन है, जो टाइमलाइन है, जो डेडलाइन थी CAA को निर्धारित करने की, उस कट ऑफ डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। 2014 तक थी CAA की कट ऑफ डेट, वो कहते हैं उसको 2021 कर दिया जाए। ऐसे नेता लोग बोलते हैं, वो लोग जो कहते थे कि हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है लेकिन ये बिल कम्युनल है। और उस वक्त मैं तमाम चैनल्स पर डिबेट पर जाती थी और मैं कहती थी एक जगह दिखा दो कहां पर कम्युनल है, एक जगह दिखा दो कि कहां पर ये बिल किसी की नागरिकता छीनने की बात करता है, एक जगह दिखा दो जहां पर हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ इस बिल के द्वारा गलत हो रहा हो, एक जगह दिखा दो जहां पर जो तुम लोग बोल रहे हो वो इस बिल के अंदर है। लेकिन झूठ बोला गया, भ्रम फैलाया गया, पैसे दे करके, इंटरनेशनल फंडिंग ले करके इस देश की राजधानी को जलाया गया, यूपी तक को जलाने का प्लान बनाया गया। और आज वही लोग कह रहे हैं कि CAA तो अच्छा है, 2021 तक इसकी कट ऑफ डेट को एक्सटेंड कर देना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूं कि उन नेताओं पर कभी भरोसा मत कीजिए जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश में भ्रम झूठ फैलाते हैं। आप लोगों को ये भी मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, मैंने तमाम जब CAA के समय पर डिबेट चल रही थी मैंने बोला था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू ने भी CAA का समर्थन किया था।
और बोला था कि जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं जो इस्लामिक राष्ट्रों में फंसी हुई हैं उनको भारतवर्ष में आने का हक है, उन्हें आने देना चाहिए। खुद मनमोहन सिंह जी ने एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बिल को लेकर के इस बिल को पारित करने की मांग करी थी। कांग्रेस बहुत समय से इस बिल की बात कर रही, लेकिन जब ये कैब को सीए बनाया गया तो सिर्फ ईर्षा द्वेष गंदी घटिया राजनीति के चलते इतना बड़ा झूठ भ्रम फैलाया गया, शाहीन बाग बिठाया गया, शाहीन बाग में पेड़ लोग बिठाए गए, दिल्ली को होस्टेज जैसी स्थिति में लेकर के आया गया, ये सच्चाई है। लेकिन अब CAA का सही मतलब समझ में आ रहा है। आप लोगों ने देखा वो ब्यूटीफुल विजुअल्स जब देश के यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी पहुंचे T3 में और गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सर पे धारण करके वो पूरे सम्मान के साथ देश में लेकर के आए, दिल्ली में लेकर के आए। ये इस देश की सभ्यता और संस्कृति है, ये सच्चाई है। और इस सभ्यता और संस्कृति को अगर इस देश में आज कोई आगे बढ़ा रहा है वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस वक्त की सरकार। और हमारे जो सिख भाई जो आज आए हैं वहां से, उन लोगों वो लोग भारत में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस देश के अंदर सिख भाइयों के नाम पे झूठ बोला, हमारे भाई बहनों को भ्रमित करने की कोशिश करी, और आज वो लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। वैसे तो बहुत अनाप शनाप बातें करते हैं, CA के बारे में इतना झूठ बोला, आज एक धन्यवाद इनके मुंह से नहीं निकलता, आज एक सच इनके मुंह से नहीं निकलता। और मैं इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि हर विषय पर बोलना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सरकार का जिन्होंने इतना बड़ा कदम, सराहनीय कदम उठाया और उन लोगों को मदद दी जिनको आवश्यकता है। गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता का मान रखते हुए यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी पूरे सम्मान के साथ लेकर के आए। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं किस प्रकार से जो लोग आए हैं, अफगानिस्तान से सिख भाई हमारे आए, बाकी कैसी कैसी खतरनाक बातें वो बता रहे हैं। ये है भारत और ये है सच्चाई इस देश में इस वक्त की जो सरकार है उसकी, जो सर्व पूरे देश को पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जोड़ करके रखती है। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि लगातार इन विषयों पर भी बात कीजिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में जल्द हाजिर होंगी और उन लोगों को मैं लगातार एक्सपोज करूंगी जो झूठ बोलते हैं, जो भ्रमित करते हैं, जो इस देश को तोड़ने की, बदनाम करने की साजिश करते हैं, देश के आम नागरिक को अपना वोट बैंक समझकर उनको मरवाने और कटवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जल्द आप लोगों के बीच में दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।